हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। हाइब्रिडाइजेशन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, कोई चीज़ नहीं होती है, बट इसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत है, इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? प्रोसेस टू मिक्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स टू मेक देम आइडेंटिकल इन शेप एंड एनर्जी। तो एग्जैक्टली क्या चीज़ है कि एक प्रोसेस है टू मिक्स, पहले मिक्स करना है और रीडिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट ऑर्बिटल्स को, जिससे कि उनकी एनर्जी और शेप आइडेंटिकल हो सके। यही हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो क्राइटेरिया फॉर हाइब्रिडाइजेशन, एक हाइब्रिडाइजेशन का क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो नंबर वन क्राइटेरिया है आपका, इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक हाइपोथेटिकल है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, कैन नॉट बी प्रूव्ड बाई एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव नहीं किया जा सकता। ओके फ्रेंड्स, अब सेकेंड टर्म आता है, अब इसका सेकेंड टर्म फ्रेंड्स, इसका सेकेंड टर्म आता है कि न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो न्यूली ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड होंगे उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही इक्वल्स टू होंगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और ये एंड दे आर आइडेंटिकल। और चौथा पॉइंट है कि ये आइडेंटिकल होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब सेकेंड टाइप आता है, अब फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है कि टू टाइप्स का होना चाहिए, कि ये टू टाइप्स का होता है, इक्विवेलेंस और नॉन इक्विवेलेंस। ओके फ्रेंड्स, इक्विवेलेंस में क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम होता है। ओके फ्रेंड्स, और नॉन इक्विवेलेंस में क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम नहीं होते। जैसे एग्जांपल, जैसे अब ये थ्री टाइप्स के होंगे नॉन इक्विवेलेंस, या तो सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट हो जाएं, ओके फ्रेंड्स, या प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर हो जाए, या नॉन सिमेट्रिकल ज्योमेट्री हो जाए, जैसे PCl5 की होती है, PCl3 अलग होता है और Cl2 अलग होता है। ओके फ्रेंड्स, छठा पॉइंट आता है फ्रेंड्स इसमें, जैसे ये एस ऑर्बिटल्स की शेप स्फेरिकल होती है और ये डम्बेल होती है, तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है एस ऑर्बिटल्स, और ये पी ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल होता है, तो ये फॉर्म करेगा, एक यहाँ पर स्मॉल लोब हो जाएगा और एक लार्ज लोब हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एस ऑर्बिटल इज कंपलसरी। इस तो हाइब्रिडाइजेशन में एस ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस कंपलसरी होती है। तो हाइपोथेटिकल बॉन्ड, एक तो ये हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, और हाइपोथेटिकल बॉन्ड तभी स्ट्रांग होगा जब उसमें डायरेक्शनल होगा, जब यानी डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शनल बिहेवियर आएगा। और तो सेवेंथ पॉइंट ये हो गया, एसपीएन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के लिए ही वैलिड है ये। अभी ये फिलहाल, पहले ये क्या था फ्रेंड्स, एसपीएन टाइप हाइब्रिडाइजेशन के लिए ही वैलिड था, लेकिन बट बाद में ये इवेल्युएट हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो अब एट्थ पॉइंट आता है फ्रेंड्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल होते हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो मोर डायरेक्शनल होते हैं देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स से। ओके फ्रेंड्स, हेंस स्ट्रोंगर बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इसलिए ये बॉन्ड जो बनेगा स्ट्रोंगर बॉन्ड होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नाइन्थ पॉइंट फ्रेंड्स ये आता है कि ये एक ऑर्बिटल्स है, तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर इसका मेनली, अगर फ्रेंड्स ये विड्थ बढ़ रही है इसका, अगर ये विड्थ बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब एस कैरेक्टर बढ़ेगा, और अगर फ्रेंड्स ये लेंथ बढ़ रही है तो इसका मतलब पी कैरेक्टर बढ़ेगा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल, अब अगर मैं इसको ज्यादा इलाबोरेट करता हूं, तो ये क्या है कि अगर ये गोलू, मतलब विड्थ बढ़ेगी, अगर ये गोलू गोलू होगा तो एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और अगर ये क्या होगा फ्रेंड्स, अगर ये लेंथ बढ़ेगी इसकी, अगर ये जितनी लेंथ बढ़ेगी तो पी कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो जितना ज्यादा विड्थ बढ़ेगी उतना ज्यादा एस कैरेक्टर बढ़ता है, और अगर जितना ज्यादा लेंथ बढ़ेगी उतना ज्यादा पी कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट्स ये आता है कि एसपीएन टाइप्स, ये फॉर एसपीएन हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म्स स्ट्रोंगर बॉन्ड। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज डायरेक्शनल नेचर इंक्रीज हो रहा है, एसपीएन टाइप हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्ट्रोंगर बॉन्ड फॉर्म होता है, क्योंकि नेचर ऑफ, क्योंकि डायरेक्शनल बिहेवियर इंक्रीज होता जाता है, जैसे SP1 हो गया, SP2 हो गया, SP3 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो एसपीएन के लिए फ्रेंड्स क्या होगा, एसपीएन, ओके फ्रेंड्स, तो एसपीएन, तो कोवेलेंट बॉन्ड
डायरेक्शनल होते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो एसपीएन जैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स डायरेक्शनल होते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर जैसे अब 10th पॉइंट आता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं तो वो रीअरेंज करते हैं अपने आप को. जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रीअरेंज देमसेल्व्स इन सच ए वे टू गेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड देयरफॉर दे हैव फिक्स्ड अरेंजमेंट इन स्पेस. तो क्या होता है फ्रेंड्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं, इस वे में अरेंज करते हैं जिससे कि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर सके, और इसलिए वे उनकी स्पेस में एक फिक्स्ड अरेंजमेंट हो जाती है. ओके फ्रेंड्स, उनकी स्पेस में एक फिक्स्ड अरेंजमेंट हो जाती है. अब इसका 11th पॉइंट आता है द एंगल बिटवीन. तो जो एंगल होता है, द एंगल बिटवीन एसपीएन हाइब्रिडाइजेशन इज गिवन बाय, जो एंगल दिया जाता है एसपीएन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के लिए, उसको किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स? हाँ जी फ्रेंड्स, तो जो एंगल दिया जाता है एसपीएन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के लिए, उसको कॉस थीटा से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन एस माइनस 100. ओके फ्रेंड्स, तो एस इक्वल्स टू क्या हो गया, एस परसेंटेज. तो यहां पर ये जो फॉर्मूला लगेगा ये हम एस के रिस्पेक्ट से निकालेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो ये जो फॉर्मूला है ये हम एक्स के रिस्पेक्ट से निकालेंगे. अब देखिए फ्रेंड्स, S प्लस पी यानी S कैरेक्टर प्लस P कैरेक्टर इक्वल्स टू 100% के बराबर होगा. ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला जेनरेट हो गया S अपॉन S माइनस 1. अगर हम S प्लस P यानी S कैरेक्टर और प्लस P कैरेक्टर को इक्वल्स टू 1 रख लेते हैं, तो ये टोटल S प्लस P यानी S कैरेक्टर प्लस P कैरेक्टर 1 के बराबर आता है. तो हमारा यहां पर कंक्लूजन ये निकल गया कि ये जो थीटा है, थीटा डायरेक्ट रिलेशन हो गया एस कैरेक्टर के, मतलब जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा थीटा बढ़ेगा, यानी एंगल बढ़ता चले जाएगा. अगर एस कैरेक्टर किसी का एंगल ज्यादा है तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा. ओके फ्रेंड्स, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एसपीएन या एसपीआई, जो ये एन हो गया या एन हो गया इक्वल्स टू आई ले लो, ये हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स होता है. तो ये जो एसपीएन हो गया इक्वल्स टू एसपीआई हो गया, जो एन और आई हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स होता है. ओके फ्रेंड्स, तो हम इसको हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स से भी डिनोट करते हैं. तो एस इक्वल्स टू, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, एस इक्वल्स टू 1/1 n. ओके फ्रेंड्स, तो और पी, अगर पी परसेंटेज के लिए, पी अगर पी के लिए निकालना है, यानी पी का कितना परसेंटेज आएगा, कितना पार्टिसिपेट करेगा, तो पी के लिए हो गया एन अपॉन एन प्लस 1. ओके फ्रेंड्स, तो ये जो फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू 1/1 n और पी इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस 1, ये फॉर्मूला, ओनली दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एस कैरेक्टर, कोई एस कैरेक्टर निकालने के लिए ही ये वैलिड है ये फॉर्मूला. ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको मैंने एक टेबल बनाई है, यहाँ पर थीटा लिखा है मैंने, यहाँ पर एस परसेंटेज लिखा है, यहाँ पर मैंने पी परसेंटेज लिखा है. ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर एस पी लिखा है. तो फ्रेंड्स देखिए, हम थीटा से, ओके फ्रेंड्स, तो हम थीटा से अब हम पता लगाएंगे कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा या एंगल डिक्रीज होता जाएगा, तो हम उससे हाइब्रिडाइजेशन का पता लगाएंगे. अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम थीटा रख रहे हैं, थीटा अगर हमने 180 रख दिया इस वाले फॉर्मूले में, फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, इस वाले फॉर्मूले में कॉस थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन एस माइनस 100 रख दिया, तो हमारी एस की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स, एस परसेंटेज आ जाएगा 50. ओके फ्रेंड्स, तो अगर एस परसेंटेज 50 आ गया तो पी परसेंटेज भी 50 हो जाएगा. अगर इनका हम रेशियो लेते हैं तो 1:1 हो गया. ओके फ्रेंड्स, तो 1:1 मतलब S और P. तो यहां पर जो हमने SP रखा है, तो ये हम यहां पर रेशो इनके ऊपर लगा दो, तो S1P1 = SP. तो इसकी क्या हो गई, अगर एंगल 180 डिग्री है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन SP हो गई. ओके फ्रेंड्स, अब जैसे हमने एंगल डिक्रीज करा, 120 डिग्री का एंगल करा, तो हम फिर एस परसेंटेज निकालेंगे उस वाले फॉर्मूले से, कॉस थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन एस माइनस 100 से 33.3 आएगा. ओके फ्रेंड्स, अब पी कैरेक्टर निकालेंगे तो 66.6 आएगा. ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए इनका रेशियो क्या हो रहा है, 1:2. एस और पी का क्या रेशियो हो गया, 1:2. तो यहां पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, SP2. ओके फ्रेंड्स, अब अगर हम तीसरा एग्जांपल देते हैं 109, अगर थीटा की वैल्यू हो, तो यहां पर हमारा एस परसेंटेज कितना आ रहा है, 25% आ रहा है. ओके फ्रेंड्स, और पी परसेंटेज क्या आ रहा है, 75. तो ये किसका कितना रेशियो हो गया, 1:3 हो गया. तो ठीक है फ्रेंड्स, तो एस पी लिखा और इसके ऊपर पावर लगा दी, तो S1P3 यानी SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई. ओके फ्रेंड्स,
तो हमारा ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जैसे जैसे हमारा एंगल डिक्रीज हो रहा है तो हमारा एस परसेंटेज कम हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब लेंथ बढ़ रही है और एस कैरेक्टर कम हो रहा है और पी कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ओके फ्रेंड्स।